बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GCVF ने जो सेमेस्टर है उसका अनाउंस कर दिया शेड्यूल, और साथ में ये भी अनाउंस कर दिया कौन कौन से सेमेस्टर जो फिजिकल होंगे और कौन से वाले ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वाले जो न्यू एडमिशन हैं। न्यू एडमिशन के बारे में अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे पी एच फर्स्ट सेमेस्टर है, एम फिल, एम एस सी या पी एच डी ये फर्स्ट सेमेस्टर, इनके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि इनके सेमेस्टर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे। अब जो बी एस थर्ड सेमेस्टर है और बी एस सेवन्थ सेमेस्टर है वो आप लोगों का फिजिकल होगा। अगर आप लोग 10th सेमेस्टर पढ़ते हैं, 5 ईयर प्रोग्राम है, तो जो फाइनल सेमेस्टर होगा 9th सेमेस्टर वो आप लोगों का फिजिकल होगा। और जो बाकी बी एस फिफ्थ सेमेस्टर है आप लोगों का वो ऑनलाइन, जो बी एस फिफ्थ वाले हैं वो सेमेस्टर, जो बी एड फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसी तरह से बी एस सेवन सेमेस्टर, अगर ये साथ में आपने नोट करना है, ये बी एस सेवन उन लोगों के लिए जैसे एल एल बी है, उनका 5 ईयर प्रोग्राम है, तो उन लोगों का 7th सेमेस्टर ऑनलाइन होगा। बाकी सब लोगों का जो 7th सेमेस्टर है वो फिजिकल होगा। जिनके 8th सेमेस्टर है वो सब सारे फिजिकल क्लासेस पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बी एस थर्ड मैथ और बी एस सेवन्थ मैथ ये फिजिकल होंगे, और बी एस फिफ्थ सेमेस्टर जो होगा ये ऑनलाइन होगा। और जो रिसर्च स्टूडेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सुपरवाइजर वो रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब मर्जी आए जाएं। और ये सेमेस्टर का शेड्यूल है बी एस थर्ड फिफ्थ सेवन का, ये सेमेस्टर 4th अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कमिंग मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसमें बी एस थर्ड और फिफ्थ के बच्चे फिजिकल आएंगे, बी एस थर्ड और सेवन्थ के फिजिकल, और फिफ्थ के ऑनलाइन आए क्लासेस लेंगे। और इसके अलावा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अनाउंस करेंगे कि वो वहाँ पे उन्होंने क्लासेस फिजिकल लेनी है ऑनलाइन लेनी है, वो इस शेड्यूल को भी फॉलो कर सकते हैं। या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो वो ऑनलाइन ही चलेंगी। बट जो मेन जो है सारा वो ये पैटर्न जो मैंने अभी बताया उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं आती कि आप लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सीवियर कंडीशन नहीं है, और जो भी कॉलेजेस होंगे वो जो कोरोना एस ओ पीज हैं, मास्क विद मास्क का डिस्टेंस है, उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।